टीना अम्मी 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 क्या हो गया है? क्या बात? अम्मी आज आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। क्या कोई लड़की पसंद आ गई है? जी। बेटा तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। वाह भाई, हमें भी मिलवाएं, हम भी देखें कौन है वो हसीना जिसपे हमारे भाई का दिल आया है। क्या नाम है उसका? मालूम नहीं। एजुकेशन? मैं नहीं जानता। अरे वाह, नाम पता नहीं है और लड़की पसंद कर ली। मैंने ना उसका घर देखा है। अच्छा, कल चलेंगे लड़की को देखने के लिए। वो रहती कहाँ है? भाई ये लोअर मिडिल क्लास लड़कियां दूर से ही अच्छी लगती हैं। इनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं जाती। शट अप टीना। देख रही हैं अम्मी आप, अभी तो वो इस घर में आई नहीं है कि इनको मेरी बातें अभी से बुरी लगने लगी हैं। भाई आप मेरी बात माने, मेरी फ्रेंड हिरा बहुत अच्छी है, आप उससे शादी कर लें। उस मिडिल क्लास सारा को आप कहाँ सिखाते फिरेंगे कि इस हाई क्लास सोसाइटी में कैसे मूव करते हैं? अगर आपने उनसे शादी की ना तो आप हस्बैंड कम टीचर ज्यादा बन जाएंगे। टीना मुझे ये हिरा जैसी बदतमीज और ऊटपटांग लड़कियां पसंद नहीं है, मुझे सारा जैसी सीधी सादी लड़कियां पसंद है। लेकिन भाई जो मैं कहना चाह रही हूँ। हेलो हेलो टीना, कैसी हो? फाइन। सुबह से तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, मेरा बड़ा दिल कर रहा है तुमसे बात करने को। अच्छा होल्ड ऑन। अपनी टीना को क्या प्रॉब्लम है? बेटा वो चाहती है कि तुम्हारी शादी हिरा से। तो फिक्र ना करो, मैं उसे समझा दूंगी, तो समझ जाएगी। थैंक यू मी। इम्पॉसिबल, एक राह चलती लड़की को मेरी भाभी बनाया जा रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं चुप रहूं? और तुम कर भी क्या सकती हो टीना। अच्छा छोड़ो, आई नो आज तुम बहुत प्यारी लग रही होगी हमेशा की तरह। कुकु, हम कब तक इस तरह फोन पे बात करते रहेंगे? व्हाट डू यू मीन यू नॉटी? तुम आज ही अपनी मामा से बात करो। यू नो टीना, मैं जब भी शादी का सोचता हूँ ना, मेरा दिल धक से रह जाता है, मुझे बड़ी शर्म आती है। तुम अपनी मामा से कहो ना कि मेरा रिश्ता मांग ले। आर यू क्रेजी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लड़की की माँ लड़के के घर जाकर कहे कि मेरी बेटी से अपने बेटे की शादी करा दो, ऐसा कभी हुआ है क्या? ओह कम ऑन टीना, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड नाउ। अभी तुम्हारी भाभी घर में आई नहीं है और तुमने अभी मिडिल क्लास गर्ल्स की तरह बातें करना शुरू कर दी हैं। ओह माय डार्लिंग। कुकु, आज के बाद मुझे कॉल मत करना। टीना। मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, आपने मुझे जितनी आसाइशें दी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर जल्दी से अदा करो ना शुक्रिया। क्या ला? तेरा लाख लाख शुक्र। सारा, मेरी अम्मी जो है ना वो बहुत भोली भाली है। हाँ टीना थोड़ी सी तेज तबीयत की है, वो चाहती थी कि मेरी शादी उसकी सहेली हिरा से हो। वो शायद तुम्हें टफ टाइम दे, बट आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली हैंडल दैट। कोशिश करूंगी, लेकिन आप किसी की बातों में मत आइएगा। बच्चा नहीं हूं मैं।
हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अम्मी, अम्मी, क्या मुसीबत है अम्मी? क्या हो गया बेटा? उस मिडिल क्लास औरत ने पहले भाई को बेवकूफ बनाया, अब मेरे कमरे पे कब्जा करके बैठी है। बेटा, ये तो वकार ने शादी से पहले कहा था कि मैं शादी के बाद ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा, इसमें सारा का क्या कसूर है? अम्मी, कोई बात नहीं टीना, तुम ऊपर शिफ्ट हो जाओ, मैं नीचे आ जाऊंगी। लेकिन बेटा वकार क्या सोचेगा? मैं समझा दूंगी उन्हें, कुछ नहीं कहेंगे। क्या बताना चाह रही हो तुम कि भाई मुझसे ज्यादा तुम्हारी बात मानते? खूब जानती हूँ मैं तुम जैसी जादूगरनियों को। टीना, कुकू, आई एम सिक ऑफ एवरीथिंग, मैं बहुत परेशान हूँ। ओ टीना, व्हाई आर यू इन ग्लूमी मूड माय डार्लिंग? उस मिडिल क्लास औरत ने सबको बेवकूफ बना रखा है, जिसे देखो वो उसके गुनगा रहा है। मेरी किसी को परवाह ही नहीं है, आई एम अलोन कुकू। No, my darling. I'm always at your services. I am with you, my darling. Cuckoo, I want to meet you. Okay, Tina. शाम में मिलते हैं। जी, Mrs. Kamal. आप शादी भी क्यों नहीं आई? जी हाँ, बहुत मजा आया। बहू बहुत अच्छी है। वकार बहुत खुश है। जी हाँ, जी हाँ। जरूर जरूर। आइएगा जरूर। ठीक। अल्लाह। लगता है उस मिडिल क्लास ने आपको कुछ घोल के पिला दिया है। अब आप लोगों को फोन कर करके उसकी तारीफें करेंगी। कौन सा गलत कह रही हूँ? तुमने देखा नहीं उसने सारे नौकरों को निकाल दिया है, सारा दिन काम में लगी रहती है। मुझे उससे बहुत आराम, तुम पता नहीं उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो। अरे, वो तुमसे प्यार से बात करना चाहती है और तुम उसे काटने को दौड़ती हो। घर संभालना उसकी एक चाल है, वो आपको और भाई को अपना मोहताज बनाना चाहती है। बेटा, किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए, ये बदगुमानी अच्छी नहीं होती है। किसी पे तोहमत लगाना सख गुना होता है। अम्मी, आपके लिए जूस लाऊं? सुनो, मैं तुम्हारे कमरे में थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, मेरे कमरे का एसी खराब है और मैं लैपटॉप पे कुछ बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। डोंट यू डेयर डिस्टर्ब मी, समझी तुम? सारा, सारा। जी अम्मी, क्या हुआ? मेरे सर में सख्त दर्द हो रहा है। लाएं, मैं दबा दूं? नहीं बेटा, कोई सरदर्द की गोली है वो दे दो। अम्मी, वो तो मेरे कमरे में रखी हुई है और टीना लैपटॉप पे काम कर रही है। हाँ तो क्या हुआ, तुम जाके गोली ले आओ, बस काम करने दो उसे। अच्छा, आप बैठे, मैं लेके आती। ये कौन है? मेरा फ्रेंड है। ओ, तो ये जरूरी काम था तुम्हारा जो तुम्हें मेरे रूम में आके करना था। माइंड योर ओन बिजनेस भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि कमरे में नहीं आना। तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो हिलजुल? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। टीना, शिकार में हिलजुल, यू नो मैं अपने इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं बर्दाश्त हो रही ना, तो निकलो यहां से, निकलो यहां से, निकलो। टीना, बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वकार आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी। भाभी,
भाभी आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। टीना तुम्हें कोको ही मिला था, तुम्हें नजर नहीं आता ना ये मर्द है ना ये औरत है। तुम इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा। तुमने कभी सोचा है कि अम्मी को अगर पता चल गया तो तुम्हें कितना दुख होगा? हाँ भाभी आप ठीक कह रही हैं, इनफैक्ट आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं खामोखा आपको आज तक अपना दुश्मन समझती थी। देखो टीना, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ, बुरा नहीं। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम कोको से नहीं मिलोगी। हाँ भाभी प्रॉमिस, ना मैं कुकू से मिलूंगी और ना उससे कोई बात करूंगी, पर आप किसी को बोलेंगी तो नहीं ना? प्रॉमिस, किसी से कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू भाभी। हेलो कुकू, कैसे हो? तुम कैसी हो डार्लिंग? तुम्हारी भाभी ने वकार भाई को कुछ बताया तो नहीं ना? यू नो मेरा दिल धड़क से रह गया था। नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी से भाभी के कमरे में आ जाओ। No, darling. I'm sorry. घबराओ नहीं, घर पर कोई भी नहीं है, भाई और भाभी बाहर गए हैं। आ जाओ ना प्लीज, शादी की बात करनी है। ओके आई एम कमिंग देन। टीना, टीना, व्हाट अ जोक। Look at me, darling. Look at वो भाभी हूँ मैं भाभी मोटी। तुम्हारी हिम्मत किसी में यहाँ आने की? निकलो, निकलो मेरे कमरे से, बाहर जाओ। देखा, मुझे तो पहले ही से ही शक था, इन दोनों को मैंने पहले भी साथ देखा है। क्या हो रहा है ये? नहीं वकार, ये वो तो टीना से मिलने आया था, मुझसे नहीं। अच्छा, मुझसे मिलने तुम्हारे बेडरूम में आया था? भाई ये औरत खराब है, मैंने पहले भी इसे कुकू से मिलते हुए देखा है, इनफैक्ट वॉर्न भी तो किया था, लेकिन ये बात नहीं आई। टीना प्लीज झूठ मत बोलो। वकार ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। और जो शख्स कोई गुनाह या कसूर तो खुद करे, लेकिन इससे किसी बेगुनाह को मोहतिम कर दे, तो उसने बहतान और सरीह गुनाह का बोझ अपने कंधों पर रखा। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद कुकू से नहीं मिलोगी? भाभी प्रॉमिस, ना मैं कुकू से मिलूंगी और ना मैं उससे कोई बात करूंगी, पर आप किसी को बताएंगी तो नहीं ना? नहीं, किसी को नहीं बताऊंगी। थैंक यू भाभी। टीना डार्लिंग, कैसी हो? डार्लिंग के बच्चे, अपनी मनहूस शक्ल आइंदा मुझे कभी मत दिखाना, समझे तुम? Are you off your head, Tina? पहले मर्दों की तरह बोलना तो सीख, मम्मी डैडी। What? You call me mummy daddy? You know,
मैं अपनी मामा को तुम्हारे रिश्ते के लिए भी नहीं भेजूंगा। शट अप इडियट।